उसके स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो दो लोग घायल हुए थे उन्होंने सेना द्वारा इलाज के हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, दो वाहनों को जला दिया, उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, मालिक जवान के बयान के अलावा कई अन्य घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के सुरक्षा बलों की गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई, कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रवासन प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/21 को घटना स्थल का दौरा किया। तीजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात 5:12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की टीम और मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत लौटकर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखती है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य पदाधिकारी अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे सीधे सदन के पटल से, जहां नागालैंड मुद्दे पर अमित शाह गृह मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस आधार पर गोलियों का निशाना सेना को बनाना पड़ा था। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो शनिवार का है, जहां पर गोलीबारी में जो घटनाएं हुई थी उनमें कई मजदूरों के मारे जाने की खबर है और सेना के भी एक जवान के मारे जाने की बात की जा रही है। हालांकि ये जानकारी मिली थी सेना के जवानों को कि प्रतिबंधित जो संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के,
एनएससीएन के युंग ओंग धड़े के उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी के आधार पर यह फायरिंग की गई थी। रोकने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी पर गोली चलाई गई और साथ ही साथ गाड़ी में मौजूद छह लोगों की इस घटना में मौत हुई है। बचाव में हुई फायरिंग में छह लोगों की मौत हुई है। एक महीने में जांच करने के आदेश गृह मंत्री ने दिए हैं। बड़ी खबर यही है, एक महीने में रिपोर्ट एसआईटी देगी इस मामले में और इस पूरे मामले में नागालैंड में हालात नियंत्रण में, बताते हुए गृह मंत्री कह रहे हैं सदन के पटल पर।